वीडियो का लिंक डालते ही आपके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ना चालू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिंक को डाल देना है और जैसे ही आप लोग लिंक डालोगे वैसे ही आपको सब्सक्राइबर्स जो है मिलना चालू हो जाएंगे। अब सही तरीका क्या है सब्सक्राइबर्स गेन करने का? आप में से बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि सर लिंक डालने से कैसे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, कौन सी लिंक डालनी है। तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा कि आपको किस तरह से जो है लिंक डालनी है और कहां पर डालनी है और कैसे आपको सब्सक्राइबर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स गेन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पर काम करते हो, यूट्यूब पर मेहनत करते हो, मैं देखता हूं लोग दो दो तीन तीन सालों से यूट्यूब पर काम करते रहते हैं लेकिन जो 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया होता है उसको पूरा तक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप लोग को पता ही है, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया जो है पूरा करना होता है, जिसको जो है लोग पूरा ही नहीं कर पाते हैं, आप लोग को बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप लोग सही तरीका जानते होगे, सही तरीके से YouTube पर काम करोगे तो आप लोग भी 1000 सब्सक्राइबर्स का जो क्राइटेरिया है वो आप लोग आराम से कंप्लीट कर लोगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कितने सब्सक्राइबर्स जो है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, देखिए 1000 सब्सक्राइबर्स शो हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए 1000 सब्सक्राइबर्स जो मुझे मिले। और ये मैं आपको लास्ट 28 डेज का डेटा दिखा रहा हूँ, यानी कि एक महीने का डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए लास्ट 28 डेज पर मेरे चैनल पर देखिए लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स मुझे मिले। और एक दिन में मैं आपको दिखाऊं, देखिए एक दिन में 77 सब्सक्राइबर्स, एक दिन में 57 सब्सक्राइबर्स, यानी कि 50-60 सब्सक्राइबर्स तो डेली बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने जो है 50-60 सब्सक्राइबर्स डेली कंप्लीट कर सकते हो, और अगर सही तरीके से काम करोगे जैसे मैं बताऊंगा वैसे अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करोगे तो मात्र 2-3 दिनों में ही आप लोग सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लोगे 1000, जो 1000 सब्सक्राइबर्स का आपको क्राइटेरिया चाहिए होता है। तो सही तरीका क्या है, अगर आप लोग भी काफी समय से अपने चैनल पर काम कर रहे हो लेकिन आपको सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं तो ये वाली वीडियो ध्यान से देख लेना। मैं आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको वैसे ही सारी चीजें फॉलो करनी है, तभी आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में काम करते हो, किस टाइप की वीडियो बनाते हो। अब 90% यूट्यूबर यही गलती करते हैं कि वो सबसे पहले तो अपनी कैटेगरी नहीं डिसाइड कर पाते हैं, अपनी निश नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि किस कैटेगरी में काम करते हैं, किस टाइप की वीडियो बनाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आप लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो आपकी कैटेगरी कॉमेडी ही रहेगी, हमेशा आपको कॉमेडी वीडियो ही बनाना है। अगर आप लोग व्लॉग वीडियो बनाते हो तो आपको हमेशा अपने चैनल पर व्लॉग वीडियो ही डालना है। अगर आप लोग गेमिंग चैनल चलाते हो तो आपको अपने चैनल पर हमेशा गेमिंग वीडियो ही डालना है, मिक्स कंटेंट नहीं डालना है। 90% यूट्यूबर यही गलती करते हैं, अपने चैनल पर मिक्स कंटेंट डालने लगते हैं जिनकी वजह से ना तो उनके चैनल पर व्यूज आता है और ना ही उनकी ऑडियंस जो है सही तरीके से बन पाती है। क्योंकि अगर आप अपने चैनल पर मिक्स कंटेंट डालोगे, ठीक है, कभी व्लॉग डाल लो, कभी गेमिंग डाल लो, कभी क्या डाल लो, तो इस तरह से आपकी ऑडियंस नहीं बढ़ेगी और ना ही आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी एक कैटेगरी डिसाइड करनी है, एक कैटेगरी पर ही आपको काम करना है, उसी कैटेगरी में आपको लॉन्ग भी डालना है और शॉर्ट भी डालना है, सेम कैटेगरी में, कैटेगरी नहीं बदलनी है। अब जैसे आपने अपनी कैटेगरी डिसाइड कर रखी है तो यहां पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप जैसे अपनी नई वीडियो अपलोड करो, जैसे आप कोई अपनी नई वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही स्टेप बाय स्टेप काम करना है। आपको जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं 2-3 दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा, बस सही तरीके से काम करना है। आप क्या करना है, सबसे पहले अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड करनी है। अब नई वीडियो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपलोड कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए जैसे आपका कुकिंग चैनल है, आप लोग कुकिंग चैनल चलाते हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल पर कुकिंग की जो आपने अभी वीडियो डाउनलोड कर मतलब एडिट करके रखी हो, जो अभी आपने वीडियो बनाई हो, उस वीडियो को आपको अपने चैनल पर डाल देना है, बिना टाइटल, बिना डिस्क्रिप्शन, बिना टैग के, समझ गए, कुछ भी नहीं डालना है, केवल आपको वीडियो अपलोड करके छोड़ देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है ये वीडियो जैसे मैं ले लेता हूँ, इस वीडियो को आपको चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो आपको क्या करना है, नेक्स्ट करके अपलोड करके छोड़ देना है। और अपलोड कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, विजिबिलिटी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे, यहाँ पर आपको एक विजिबिलिटी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको अपनी वीडियो का टाइटल नहीं देना हो, ना ही डिस्क्रिप्शन लगाना हो, ना ही टैग देना, कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पर जो विजिबिलिटी है यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को अनलिस्टेड पे अपलोड करके छोड़ देना है। सबसे पहले आपको ये काम करना है, जितने भी नए लोग हैं, नए ऑडियंस हो चाहे पुराने ऑडियंस हो, सब्सक्राइबर्स गेन करने का एकदम 100% रियल तरीका है ये। आपको क्या करना है, अपने चैनल पर अपलोड करके मतलब वीडियो को अपलोड करके छोड़ देना है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लगाना है। अब आपने जैसे वीडियो अपलोड कर दी, अब आपको क्या काम करना है, मैं आपको बताता हूं, आपने जैसे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी, अब आपको क्या करना है, आपने जैसे कुकिंग से रिलेटेड वीडियो जो है अपने चैनल पर अभी अपलोड की है, मान लिया आपने उसमें दिखाया है कि कचौड़ी कैसे बनाए, उस वीडियो में आपने जैसे बताया कचौड़ी कैसे बनाए,
अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से YouTube पर आना है। YouTube पर आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने चैनल का लोगो दिख रहा होगा साइड में, इस तरह से आपका जो भी चैनल होगा आपको साइड में देखिए लोगो बैनर दिख रहा होगा, आपको अपने बैनर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा टर्न ऑन इनकॉग्नाइट, इसको आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, जो आपने वीडियो में बताया हो, जिस टाइप की अभी आपने वीडियो डाली हो उस टाइप के कीवर्ड को आपको यहाँ पर सर्च करना है, समझ गया। चाहे व्लॉग वीडियो बनाए हो, चाहे कॉमेडी वीडियो बनाए हो, चाहे जो वीडियो बनाए हो, आपको वही यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए कि कचौड़ी कैसे बनाए, इस टाइप का आपने वीडियो बनाया तो आपको यूट्यूब पर आकर सर्च करना है कचौड़ी कैसे बनाए, इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप जैसे इसको सर्च करोगे तो आपके सामने देखिए बहुत सारी वीडियो शो हो रही होगी, बहुत सारी वीडियो शो हो रही होगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये भाई साहब की वीडियो है, 6 साल पहले 1.2 करोड़ व्यूज आया है, देखिए कितना तगड़ा व्यूज आया, करोड़ों में व्यूज आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि किस वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज आया हुआ है, आपको अपनी सेम कैटेगरी हमेशा डिसाइड करनी है, ये बात का हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इस वीडियो पर 6 साल में देखिए 1.2 करोड़ व्यूज आया है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दिमाग लगाना है, इनके आपको सबसे पहले टाइटल को कॉपी कर लेना है, जो इन्होंने यहाँ पर सेम टू सेम टाइटल दिया है, सेम टू सेम आपको टाइटल कॉपी कर देना है। उसके बाद उसमें आपको कुछ चेंजमेंट करना है, पूरा आपको डाल नहीं देना है, सेम टू सेम कॉपी टाइटल तो पूरा कॉपी कर लेना है, लेकिन उसमें आपको कुछ 2 से 4 वर्ड अपनी तरफ से ऐड कर देने हैं, चाहे तो आप अपने चैनल का नाम आगे ऐड कर दो, चाहे आप लोग वहां पर कुछ इमोजी ऐड कर दो, या कुछ वर्ड अपने अपने हिसाब से यहाँ पर लिख जरूर देना है। सेम टू सेम टाइटल कॉपी करने के बाद आगे या पीछे कहीं पर भी आपको 2 से 4 वर्ड अपने ऐड कर देने, समझ गए। टाइटल कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इनकी वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपने यहाँ से टाइटल इनका पूरा कॉपी कर लिया, टाइटल पूरा आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप अगर इनके डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें देखिए नोट करके रखी है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, इतना डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेना है, ये जो डिस्क्रिप्शन है इनको आपको पूरा कॉपी कर लेना है। कैसे कॉपी करना है, मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है कि आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वाई टूल करके एक एप्लीकेशन है, उसको आपको सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। वहां से आप लोग जो है टाइटल कॉपी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हो, थंबनेल तक कॉपी कर सकते हो, समझ गए। तो यहां से आपने जो है डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया और टाइटल कॉपी कर लिया, अब आपको इस वीडियो का टैग भी चाहिए होगा, तो आप टैग कैसे कॉपी कर सकते हो, टैग के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो का यहां पर देखिए शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहां से आपको क्या करना है, शेयर वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉपी लिंक, यहां से क्या करना है, इस वीडियो को आपको यहां से लिंक कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करते ही अब आपको आना है अपने गूगल में, गूगल में आना और यहां पर आपको डालना है YouTube, ठीक, यहाँ पर डालना है YouTube टैग जनरेटर, इस तरह से आपको YouTube टैग जनरेटर डाल देना है और सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा है एंटर योर वीडियो, मतलब वीडियो का URL या जो आपने अभी कॉपी किया है लिंक, उसको यहाँ पर सिंपली से आपको पेस्ट कर देना, पेस्ट करके आपको यहाँ से सर्च कर देना। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको जो है यहाँ पर आपका जो भी टैग होगा वो ऑटोमेटिक सजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी, आपको क्या करना है किसी भी एक वेबसाइट पर क्लिक कर देना और क्लिक करते ही आपका जो भी टैग होगा वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। बस आपको जो है वीडियो की लिंक को आपको सिर्फ और सिर्फ डाल देना है, वीडियो की लिंक को आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है, बस इस तरह से आपको बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएगी। नहीं तो आप लोग क्या करो, वाई टूल की मदद से भी टैग को कॉपी कर सकते हो। उसके बाद अब आपने जो अभी वीडियो अपलोड करी हो रिसेंट में, आपको क्या करना है, अपने YT स्टूडियो पर आना है, उसी वीडियो पर जाना है, ठीक है। YT स्टूडियो पर आ जाना है, आपको कंटेंट वाले ऑप्शन पर जाना है, टॉप पर जो भी आपने अभी वीडियो अपलोड कर रखी होगी वो टॉप पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिट सेक्शन पर आना अपनी वीडियो की। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी वीडियो का टाइटल आपने सेम टू सेम डाल देना है, बस उसमें आपको 2-4 शब्द अपनी तरफ से ऐड कर देना है, ठीक है, कुछ चेंजमेंट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी चीजें कॉपी कर देनी है। डिस्क्रिप्शन में कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको टैग वाला ऑप्शन मिलेगा, टैग वाले ऑप्शन में भी आपको सारी चीजें उसी तरह से कॉपी करके डाल देनी। जैसे आप कॉपी कर दो उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो विजिबिलिटी वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके अब यहाँ से क्या करना है, अपनी वीडियो को पब्लिक कर देना है, पब्लिक करके अपलोड कर देना है और थंबनेल जरूर लगा देना है। इतना काम करते ही आपका देखना 2 से 4 दिनों में ही सब्सक्राइबर्स बढ़ना चालू हो जाएगा। कैसे बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जिस वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग कॉपी किया है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर रैंक कर रही है। 6 साल में देखिए 1.2 करोड़ व्यूज आया है, तो अगर आप लोग उनका टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग कॉपी करोगे तो आपकी वीडियो भी उनके सजेस्ट में जाएगी, उनके रिकमेंडेशन में जाएगी, तो इस तरह से आपकी वीडियो पर भी व्यूज आएगा। और जब आपकी वीडियो पर भी व्यूज आएगा तो आपके भी ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर्स बढ़ना चालू हो जाएंगे।
और अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा और अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी तो आपका देखना 2 से 4 दिनों में ही 1000 सब्सक्राइबर्स का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग का भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह से काम करना है जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के चैनल पर कितने सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। तो चलिए दोस्तों आप लोग मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।